अस्सलाम वालेकुम गाइज़, मैं हूँ इमरान जवो फ्रॉम जवो डॉट पे। आप लोग सब कैसे हैं? ठीक ठाक है, उम्मीद करता हूँ आप लोग सब ठीक ठाक होंगे, फिट फाट होंगे। तो गाइज़, पिछले पहले मैंने इसकी अनबॉक्सिंग की थी स्पार्क 7 जो कि टेक्नो का है। इसके बाद उसमें काफ़ी सारे कमेंट्स आए और मुझे वीडियो वगैरह में बताया और व्हाट्सअप वगैरह में बताया कि इमरान भाई 7 प्रो की भी अनबॉक्सिंग करें। तो ये मैं आपके लिए अनबॉक्सिंग के लिए पीस लाया हूँ। तो ये देखें, इसके साथ में मैं आपको अनबॉक्सिंग करके दिखाऊंगा, जो कि उसकी बहुत ही डिमांड है, उसके बहुत ऑर्डर आए। और बाकी है कि इसकी छोटा सा हम रिव्यू करेंगे और इसकी अनबॉक्सिंग वगैरह भी करेंगे हम इसकी। तो आइए हम इसकी अनबॉक्सिंग करते हैं। सबसे पहले मैं गाइस बताऊंगा आपको इसकी पैकिंग बताऊंगा, जो कि ऑफिशियली कंपनी की सील पैक होती है। ये देखें, ऑफिशियली ये बिल्कुल सील पैक होता है कंपनी का। तो हम इसकी अनबॉक्सिंग करेंगे और आपको इसके बताएंगे। तो गाइस आपने बॉक्स देख लिया, तो बाकी ये मैं इसकी अनबॉक्सिंग करता हूँ और आपको मैं दिखाता हूँ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जो मार्केट जो इसकी प्राइस है वो मैं सबसे पहले बता देता हूँ अनबॉक्सिंग से पहले, जो कि ये मार्केट में बिल्कुल इजीली ये 20,000 रुपये का मिल जाता है। तो ये आपको 20,000 में अवेलेबल है। अगर आपको चाहिए हो तो मैं आपको डिलीवरी भी करवा दूँगा, 20,000 में बिल्कुल मिल जाएगा आपको ये। अच्छा, सबसे पहले मैं इसके बात करता हूँ इसके बॉक्स की, क्योंकि इसका क्वालिटी बहुत अच्छी बनाई है। इसको अनबॉक्स करते हैं। ये टेक्नो की ऑफिशियल सील के साथ आता है। ये देखें, ये टेक्नो की सील लगी हुई है इसमें। अच्छा, फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल हमें क्या देखने को मिलता है वो देख लेते हैं। तो इसकी एसेसरीज देखने को मिलेगी सबसे पहले हमें। तो इसकी इसको ऑन करके खोल के आपको चेक कराऊंगा इसके क्या क्या इसके चार्ज की चीज़ें हैं इसकी। तो गाइस सबसे पहले हमें ये देखने को मिलता है, जो कि इसके पाउच दिया हुआ है। पाउच की क्वालिटी हम चेक करते हैं। अच्छा, ये तो गाइस ये 12+1 लिखा हुआ है, मतलब ये 13 महीने की वारंटी के साथ आता है इसमें। पाउच की क्वालिटी बहुत अच्छी है और बेहतरीन है और डिज़ाइनिंग पाउच है। ये जेली पाउच इसके साथ आता है इसमें, जेली शायद का उसका। बाकी इसका मैं सेट ऑन करके आपको मैं चेक कराता हूँ। हम इसकी अनबॉक्सिंग कर दी है, हम इसको एक्टिव भी करेंगे हम इसको। अच्छा, सबसे पहले मैं बताता हूँ, ये गाइस ये स्पेशलिस्ट बना है कैमरे के लिए। कैमरा इसका बहुत ही अच्छा और बेहतरीन कैमरा है, क्योंकि 48 मेगापिक्सल इसका कैमरा है। और मैं आपको लुक भी इसको दिखा रहा हूँ, 90 हर्ट्ज़ में दिया हुआ है, 90 हर्ट्ज़ रिफ्रेश रेट दिया हुआ है इसमें। और हेलो के इसमें G80 चिपसेट दी हुई है, सुपर नाइट मोड भी इसमें है और 5000 mAh की इसकी बैटरी है। तो गाइस सबसे पहले मैं आपको इसका लुक दिखा रहा हूँ कि लुक बहुत ही अच्छा और बेहतरीन दिया हुआ है। जो कि हमने जो अनबॉक्सिंग किया वो ब्लू कलर है, ब्लू कलर के साथ दिया हुआ है। 4GB 64GB वाला वेरियंट हमने ये 3 कैमरों के साथ ये आता है और ड्यूल LED फ्लैश के साथ और बहुत ही ज़बरदस्त इसका दिया हुआ है। तो हम इसको ऑन करते हैं और उसको मैं चेक करवाता हूं आपको। अच्छा, तो गाइस ये ऑन हो रहा है, इसको एक्टिव करेंगे हम। एक्टिव करने से पहले तो हम आपको बता देता हूं कि इसकी कोई जो इसमें चीज़ें हैं वो मैं आपको बता देता हूं। जो मॉडल नंबर है 7 प्रो, स्पार्क 7 प्रो है ये। अच्छा, 5000 mAh की इसकी बैटरी है और फ्रंट कैमरा इसका जो है वो 8 मेगापिक्सल है। फ्रंट इसमें थोड़ा सा कम है, लेकिन बैक कैमरा इसमें बहुत ही स्ट्रॉन्ग और बेहतरीन बनाया हुआ, बहुत ही ज़बरदस्त बनाया हुआ, 48 मेगापिक्सल इसमें। अच्छा, ये जो रिलीज़ हुआ है 28 मई 2021 को रिलीज़ हुआ है ये। इसकी मैं अगर डिस्प्ले साइज़ की बात करूँ तो डिस्प्ले साइज़ जो इसका है 6.6 का, 6.5 इंच का इसका डिस्प्ले दिया हुआ है, जो कि बहुत ही बेहतरीन दिया हुआ है। और नॉच इसमें डिस्प्ले दिया हुआ है और पंच होल इसमें कैमरा भी है फ्रंट। अच्छा, तो सबसे पहले अभी हम इसको कंट्री सेलेक्ट कर लेते हैं, एक्टिव मैं आपके सामने करूँगा। अच्छा, तो गाइस ये देखें, ये मैंने इसे नेक्स्ट कर दिया। नेक्स्ट अभी हम इसके सिम नहीं डाल रहे हैं, तो इसको स्किप कर रहे हैं। अच्छा, इसको भी स्किप कर लेंगे, बाद में हम इसको अंदर से फिर एक्टिव कर लेंगे इसको। तो ये देखें, ये मैं आपके सामने ही सेटअप कर रहा हूँ पूरा इसका। फास्ट फिंगर सेंसर है इसका, फिंगर सेंसर बहुत ही अच्छा और बेहतरीन है। पाउच में लगाओगे भी आपको मैं दिखाऊंगा इसमें, ये पावर बटन वगैरह भी इसके दिए हुए हैं। अच्छा, सबसे पहले अभी मेरा ये नज़र आ रहा है ये इसका इंटरफेस। अभी इसका इंटरफेस कैसा है वो मैं दिखा दूँ कि इंटरफेस बहुत ही अच्छा और बेहतरीन है, 6.6 इंच के साथ और डबल सिम होता है ये। बॉक्स पैक होते हैं ये, 13 महीने की वारंटी के साथ आता है ये। बाकी जो मैं इसमें बताता हूँ, जो फास्ट फिंगर सेंसर के साथ इसमें मेमोरी कार्ड भी सपोर्ट है, डबल सिम और प्लस मेमोरी कार्ड भी है। फिंगर सेंसर जो इसका बैक साइड में दिया हुआ है इसमें सिलिम और बेहद ही ज़बरदस्त, और प्लास्टिक बॉडी के साथ ये बनाया हुआ है और बहुत ज़बरदस्त बनाया हुआ है। मार्केट में बिल्कुल ईजिली आपको 20,000 में मिल जाएगा। हम इसका 48 मेगापिक्सल कैमरा टेस्ट करेंगे, तो कैमरा इसको देखेंगे
कैमरा में इसमें ऑल कैमरा भी है और ब्यूटी भी है ऐसा, ये मैं आपको चेक करवा रहा हूँ ब्यूटी। अच्छा अभी हम इसको चेक करेंगे इसका सेल्फी कैमरा। तो गाइज ये इसका सेल्फी कैमरा, ये देखें आप इसको देख रहे हैं आपको, ये सेल्फी कैमरा, ये पोर्ट्रेट, ये सेल्फी कैमरे का पोर्ट्रेट मैंने ऑन कर दिया है। ये सुपर नाइट वर्जन भी है इसमें। अच्छा तो अब हम इसको चेक करते हैं बैक कैमरा इसका, ये बैक कैमरा पोर्ट्रेट पे पड़ा हुआ है ये, तो ये आ गया ब्यूटी। अच्छा तो हम इसको पिक्चर लेते हैं और चेक करते हैं इसके कैमरे के रिज़ल्ट, जूम क्वालिटी चेक करते हैं इसका इस, तो 10x जूम क्वालिटी है इसकी। कैमरा भी मैंने आपको इसका चेक करा दिया, कैमरा भी बहुत अच्छा और बेहतरीन कैमरा दिया हुआ है। ये है कि बॉक्स पैक PT अप्रूव ड्यूल सिम 4GB 64GB 20,000 में बहुत अच्छा फ़ोन और बेहतरीन फ़ोन बनाया हुआ है। 1 ईयर की 13 मंथ की वारंटी भी है इसमें। बाकी जो मैं इसका चार्जर आपको दिखा देता हूँ, अच्छा जी इसमें फास्ट चार्जर दिया हुआ है। चार्जर मतलब कितने, 5 एम्पेयर 2 एम्पेयर का, ये 2 एम्पेयर 5 वोल्ट का इसका चार्जर दिया हुआ है, जो कि इसके मुकाबले में ये बहुत अच्छा होगा, फास्ट होगा, क्योंकि इसकी बैटरी टाइमिंग इसकी बहुत अच्छी दी हुई है 5000 mAh बहुत ही अहमियत होती है। आपको पता है गेमिंग फ़ोन में इतनी बड़ी बैटरीज वगैरह नहीं होती है, गेमिंग फ़ोन में जो सबसे ज़्यादा उसकी बैटरी थी 6000 mAh थी उसकी, जो मैंने उसके पहले जो अनबॉक्सिंग की थी आपने देखी होगी उसमें ROG 5 मैंने, उसमें 6000 mAh थी, उसमें 6000 mAh थी, क्योंकि वो एक्सपेंसिव बहुत था, बहुत बड़ा महंगा था वो, इस वजह से उसकी बैटरी टाइमिंग ज़्यादा थी। लेकिन ये नॉर्मल है, ये गेमर्स वगैरह के लिए नहीं होता है, नॉर्मल यूज़ के लिए बहुत ही अच्छा और बेहतरीन होती है। हैंड फ्री की क्वालिटी की बात करूँ तो नॉर्मल क्वालिटी है, बहुत ही अच्छी है, ज़बरदस्त क्वालिटी है, मतलब आप अपना काम चला सकते हैं, क्योंकि इसमें 3.5 mm का इसमें जैक दिया हुआ है। और चार्जर की भी जब मैं इसकी बात करूँ तो चार्जर इसमें टाइप सी वाला नहीं दिया हुआ है, टाइप सी नहीं दिया हुआ, माइक्रो USB वाला इसमें चार्ज दिया हुआ है, माइक्रो USB इसमें दिया हुआ है, 2 USB इसमें दिया हुआ है। प्राइस मैंने आपको बता दी, सारे बता दिए, अनबॉक्स भी कर दिया, एक्टिव भी आपके सामने करवा दिया मैंने आपके सामने। बाकी वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक ज़रूर कीजिएगा, चैनल पे अगर आप न्यू हो, अब तक अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब लाजमी करना, क्योंकि आपकी सब्सक्राइब की वजह से फिर हमें ये होता है कि मज़ीद अच्छी अच्छी वीडियोज़ बनने का दिल होता है। आप जब वीडियो में लाइक करते हैं तो हमारे भी दिल होता है कि आप अच्छे अच्छे हम इसी तरह वीडियो बताएं, आपको इन्फॉर्मेशन वगैरह दें कि मार्केट में कौन कौन से मोबाइल आए हैं और क्या आए हुए हैं, बॉक्स वगैरह मैंने आपको बता दिया और फिर सारा ये देखें, इसकी IMEI वगैरह भी होती है, ये ऑफिशियली अप्रूव होता है। बाकी इसका इंटरफेस हम मैंने आपको दिखा दिया इसका। बाकी इस फ़ोन के हवाले से कुछ और मालूम करना हो तो मुझे बता देना। रिफ़्रेश रेट ये देखें, क्योंकि 90Hz दिया हुआ है तो रिफ़्रेश रेट क्वालिटी मेरे हिसाब से बहुत अच्छी दी हुई इसकी 90Hz की। तो इसका मैं पाउच भी लगाता हूँ, पाउच भी लगा के आपको इसका लुक दिखा देता हूँ। पाउच के साथ ये बहुत अच्छा लग रहा है, जेली पाउच इसके साथ आई हुई है। अच्छा तो गाइस मैं वीडियो को एंड करता हूँ, फिर नेक्स्ट वीडियो के साथ मुलाकात करूँगा इंशाल्लाह। थैंक यू फॉर वॉचिंग, अल्लाह हाफिज़।